हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आज जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 4 साल के बच्चे से लेके आप 6 साल के बच्चे तक वो इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। आप जस्ट अपने बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्हें थोड़ा इजी या फिर थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी है उसमें क्या करना है कि आप एक ऐसा थिक जो है पेपर ले लीजिए और उसमें आप ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं आपको, और हर एक अल्फ़ाबेट के आगे आपको एक एक नंबर लिखते जाना है। लाइक ए से लेके जेड तक जो है वो 26 लेटर्स हैं ये, तो आप 1 to 26 तक काउंटिंग इनके आगे लिख लेंगे। लाइक ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3। तो ये चीज़ आपको करनी है ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स में। तो ये वाली एक्टिविटी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर की हुई है जहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अपने डॉक्टर को ऐसी एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दी थी। बट रोज़ रोज़ वर्कशीट पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखने से बेटर है आप एक ऐसा जो है वो कार्डस्टॉक ले लें, ये थोड़ा थिक पेपर है और उसमें आप ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिख लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी आप बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए देंगे आपको हर बार ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये शीट बच्चे को दे दीजिए और बाकी एक्टिविटी आप पेपर पे बना के उन्हें दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको ए से लेके जी तक अल्फाबेट लिखने हैं और उनके आगे आपको नंबरिंग करनी है। सेकेंड, अब आपको ये एक्टिविटी करवानी कैसे है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए आप एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ फ्रूट नेम्स का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 5 ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हुए हैं और उन ब्लैंक स्पेसेस के नीचे मैंने नंबर लिख दिए हैं। तो बच्चे को क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उस नंबर के लिए जो अल्फाबेट होगा बच्चे को वो अल्फाबेट यहाँ पे लिखना है। लाइक दिस इज नंबर 1, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा कि नंबर 1 किसके बराबर है, ए। तो बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, ए लिखना है। उसके बाद है 16, तो 16 जो है वो किसके बराबर है, पी। अगेन 16, पी। 12, एल के बराबर। और 5 जो है वो किस अल्फाबेट के बराबर है, ई। तो ये क्या बन गया, एप्पल। नेक्स्ट, अब जैसे अगर सेकंड देखेंगे तो 2 क्या है, बी। देन 1, ए। देन 14 क्या है, एन। देन अगेन ए, एन एंड ए, बनाना। तो सेम वे में बच्चे को ये सारे जो हैं यहाँ पे नंबर्स देखते जाने हैं और उस नंबर के इक्वल जो भी अल्फाबेट होगा बच्चे को वो लिखते जाना है। तो अब ये एक्टिविटी आप 1000 तरीके से बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। आप जस्ट एक बार कार्ड पे ऐसा बना के रख लीजिए, फिर आप रोज एक दिन आप उन्हें फ्रूट्स के लिए दे दीजिए। सेकेंड, जैसे यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए दी है, आप वेजिटेबल्स के लिए दे दीजिए, कलर्स नेम के लिए दे सकते हैं, बच्चों के बच्चों बच्चे का नाम या पेरेंट्स का नाम। तो आप किसी भी चीज़ के लिए इस एक्टिविटी को करने के लिए आप दे सकते हैं। और जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है वर्ड सर्च गेम की एक्टिविटी। तो जो लोग मेरे वीडियो काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं तो उन्होंने ये एक्टिविटी शायद से पिछले वीडियोज़ में भी देखी होगी। तो मैं अपनी डॉटर को ये एक्टिविटी कभी कभी दे देती हूँ उसे करने के लिए। तो जैसे ये बिल्कुल ही एक सिंपल सी यहाँ पे मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने 5 ये वाले जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने के लिए, 3-लेटर वर्ड्स हैं ये, तो ये ढूंढने के लिए मैंने अपनी डॉटर को दिया था। लाइक फर्स्ट कैट है, देन मैट, देन बैट। तो ये बिल्कुल सिंपल था। जैसे अगर आप फोनिक्स बच्चे को करवा रहे हैं तो उसमें जैसे आप लेटर ब्लेंडिंग करवा रहे हैं तो आप 3-लेटर वर्ड्स के लिए आप ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं। तो मैं आपको इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे ही 3-लेटर वर्ड से या 4-लेटर वर्ड से स्टार्ट कीजिए। आप मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे बच्चे को वर्ड फाइंड करने के लिए कह रहे हैं बच्चा उससे थोड़ा फेमिलियर है ताकि उसके लिए उस वर्ड को फाइंड करना ईजी हो जाए। और जब बच्चे को इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर आ गया, जब उसे पता चल गया इस गेम को करना कैसे है, तो फिर आप उसे जो है वो लेंथी वर्ड्स जो हैं वो भी ढूंढने के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये वाली जैसे मैंने वर्कशीट बनाई हुई है डेज ऑफ द वीक के लिए,
तो अब यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि जैसे पिछली में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही सिंपल था। यहाँ पे मैंने अपर केस में लेटर्स लिखे हुए थे और बहुत कम लेटर्स लिखे थे, बट अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसे काफ़ी सारे लेटर्स दे दिए हुए हैं और ये वाले जो डेज नेम हैं वो भी थोड़े लेंथी हैं। तो आप इवेंचुअली इस गेम का जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं। गेम को खेलने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसा अगर आप बिगनर लेवल पे अगर आप जैसे छोटे बच्चों को ये गेम करवा रहे हैं तो आई सजेस्ट आप वर्ड नेम नीचे लिख दीजिए, जो भी वर्ड आप बच्चे को फाइंड करने के लिए कहेंगे उसका नाम आप नीचे लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं भी आते हैं तो वो नीचे देख के स्पेलिंग्स को मैच करके यहाँ पे वो चीज़ फाइंड कर सकता है। बट अगर आपका बच्चा अभी बड़ा है और उसे कुछ स्पेलिंग्स आते हैं तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्पेलिंग्स चाहे नहीं लिखे आप उन्हें बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को फ्रूट नेम्स आते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है नीचे नेम लिखिए, आप जस्ट बच्चे को बोल के कहिए कि इसमें एप्पल बनाना पेयर ऑरेंज फाइंड करके बताओ, तो बच्चे को अगर स्पेलिंग्स आते हैं तो वो फाइंड करेगा। तो इन केस अगर बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं आते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप वर्ड्स जो हैं वो नीचे लिख दीजिए ताकि बच्चे के लिए आसान हो जाए उस वर्ड को ढूंढना। बच्चा देख लेगा कि दिस इज संडे, देन मंडे, दिस इज वेंसडे, दिस इज ट्यूजडे। तो सेम ये वाली एक्टिविटी जो है आप नंबर ऑफ थिंग्स के लिए दे सकते हैं, लाइक आप मंथ्स नेम के लिए दे सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो किसी भी चीज़ के लिए आप ये वाली वर्ड सर्च की जो एक्टिविटी है वो बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये है ग्रिड पजल। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ग्रिड बना दी हुई है, लाइक कुछ नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे और कुछ कॉलम्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। और जो ये बॉटम रो है उसमें मैंने नंबरिंग कर दी हुई है 1 से लेके 5 तक, और ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, जब भी आप बच्चे को लाइक ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप इस सिंपल से ग्रिड के साथ स्टार्ट कीजिए। और अब आपको बच्चे को क्या करना है कि ये जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A2 B5 C1 D4, तो बच्चे को इन चीज़ों को आपको समझाना कैसे है कि फर्स्ट इज A2, तो बच्चा यहाँ पे देखेगा कि A रो कौन सी है, दिस इज दी A रो और यहाँ पे कॉलम कौन सा होगा 2, सो विच इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा दिस इज A2। उसी तरह B5, तो B रो जो है वो ये वाली है, दिस इज B, तो 5 कौन सा है ये, सो दिस इज B5। Then C1, C जो है ये वाली रो है, and where is the one, this, so this is C1. Then D4, D and 4 is this, D4. तो ये जो ग्रिड पजल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ये बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आगे चल के ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं बच्चे के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको बिल्कुल ऐसी बेसिक वाली एक्टिविटी से स्टार्ट करवाना है और जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको बच्चे को एक एक्टिविटी कैसे करने के लिए देनी है, फिर आप कुछ ऐसे वाला जो है वो ग्रिड बना सकते हैं थोड़ा इस लेवल को डिफिकल्ट बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी हुई है और यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। इस केस में मैंने क्या किया था कि दोनों साइड अल्फाबेट लिख दिए थे, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बच्चे को शुरू करते हैं तो उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, तो कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पे अल्फ़ाबेट लिख दिए थे। बट एक्चुअल में जो होता है कि हमें अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही साइड पे लिखने हैं और नीचे हमें नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने दे दिया होगा कि फर्स्ट क्या फाइंड करना है, A4, सो दिस इज A एंड दिस इज 4, सो दिस इज A4, देन B1, तो ये B रो है एंड 1 इज हेयर, सो दिस इज B1, देन C6, C1 2 3 4 5 6, देन D2, E3, दिस इज E एंड दिस इज 3, F5,
जी वन एच फोर। तो जैसे आपके बच्चे को इस ग्रिड पजल का कॉन्सेप्ट समझ आता जाएगा और वो इसे अच्छे से करने लगेगा तो आप इसका लेवल और डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो वो अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये ग्रिड पजल है इसे आप डिफरेंट तरीके से बच्चे को करने के लिए कैसे दे सकते हैं। अगेन मैं आपसे ये चीज़ कहूंगी कि जब भी आप बच्चे को ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाएं तो प्लीज़ जो ईजी ग्रिड है उससे स्टार्ट करवाइए ताकि बच्चे का जो कोई भी कन्फ्यूजन उसे ना रहे और जब उसे इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आप जितने मर्जी उन्हें लेटर्स और अल्फाबेट्स बना के दे देंगे वो इजीली इस एक्टिविटी को कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ हमारी एक्टिविटी है वो है फाइंड द डिफरेंस की। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो स्नोमैन ड्रॉ किए हैं और दोनों स्नोमैन में 5 डिफरेंसेस है और बच्चे को क्या करना है, इन डिफरेंसेस को फाइंड करना है। फर्स्ट इज ऑफकोर्स इस वाले स्नोमैन के हेयर नहीं है और इसके हेयर हैं। सेकेंड वन इज द हैंड्स, तो इसके हैंड्स नहीं हैं। थर्ड इज द नोज, इसका नोज मिसिंग है। फोर्थ इज यहाँ पे स्माइली फेस है और यहाँ पे सैड फेस है। फिफ्थ इज यहाँ पे 3 बटन्स हैं और यहाँ पे मोर देन 3 बटन्स हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, साथ ही साथ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप ये डिफरेंस की एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए दें, अगर आप फर्स्ट टाइम करने के लिए दे रहे हैं तो ईजी से स्टार्ट कीजिए, फिर आप उन्हें धीरे धीरे जो है वो लेवल उस एक्टिविटी का थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऐसी कुछ डिफरेंस की बेसिक सी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं, अगर आप चाहें तो आप वो एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। सो दिस इज द कनेक्ट द डॉट्स, ये बिल्कुल ही सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें कुछ आपको डॉट्स बना देने हैं। और इसे खेलना कैसे है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल दो प्लेयर से खेल रहे हैं तो हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक ये कनेक्ट कर दिया तो दूसरे प्लेयर ने यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर बारी आएगी अगर इसने यहाँ कनेक्ट किया, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो लेट्स से अगर अगले वाले ने यहाँ कनेक्ट किया देन दिस, तो जब अब ऐसा हो गया तो यहाँ पे ये करके जो है वो ये अगर पूरा बॉक्स बन गया तो समझो जिसने फर्स्ट बॉक्स बना लिया उसे अपने नेम का नीचे लिख लेना है। तो सेम वे में लेट्स से अगेन अब ये है, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, तो इसे दो या दो से ज़्यादा जितने भी प्लेयर्स चाहें इसको खेल सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि ये छोटे बच्चों के लिए है, जैसे लूडो वगैरह फैमिली गेम इन्जॉय करते हैं तो वैसे ये भी एज अ फैमिली गेम आप इसे इन्जॉय कर सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो और आप उनमें से कोई भी आइडिया अपने बच्चे के साथ ट्राई करें तो मेक श्योर आपका फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।